पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ पहुंचे, जहां शिवराज सिंह के द्वारा प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर न केवल जमकर हल्ला बोला बल्कि कमलनाथ सरकार को केंद्र में भाजपा सरकार बनते ही जमीन दिखाने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि आज भाजपा उम्मीदवार केपी यादव के समर्थन में ईसागढ़ में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा है कि आपका एक वोट दो काम कर सकता है, एक मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकता है तो दूसरा कमलनाथ सरकार को जमीन दिखा सकता है। इसके अलावा सभा में बोलते हुए इनके द्वारा कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला गया, साथ ही घोटालों के नाम गिनाते हुए जीजाजी घोटाले की बात कहकर राहुल गांधी पर भी तंज कसा गया। इस सभा में शिवराज सिंह ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दिए और कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है। साथ ही शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही पाला है सिमी को। साथ ही इनके द्वारा अपने कराए हुए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आज बिजली की ऐसी स्थिति है कि कमलनाथ वोट डालने गए तो बिजली चली गई और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वोट डालते नजर आए। इनके द्वारा लोगों से कहा गया कि आज जब भी बिजली जाती है तब तब आपको मामा की याद आती होगी। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर कार्यक्रम। धरती में तो क्या, पाताल में भी घुस जाओगे तो घुस घुस के मारेंगे। ये कांग्रेसी आतंकवादियों के साथ खड़े, ये सिमी के साथ खड़े रहने वाले लोग, कौन है पाला सिमी को, पालने वाले यही थे कांग्रेस के, चाहे दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य हो। और सिमी के आतंकवादी जब भोपाल की जेल से कूद के भागे तो ज्यादा दूर नहीं जाने दिया, 4 किलोमीटर बाद ही ढेर कर दिया। एक मिनट, तुमको कौन पड़ी परवाह, मैं हूं ना, मैं लड़ूंगा इसलिए मैं कहीं नहीं। आज आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस यहां रहे तो कर, और दिल्ली में कितने भ्रष्टाचार किए, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, खा गए पूरे देश को। आज एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने कह दिया ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, जैसे कंधा मिलाकर चलूंगा और इतनी दम गए शिवराज में कि मोदी जी से कह के विकास की गंगा बहा दूंगा। और एक वोट से दो काम, एक मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरे कमलनाथ की सरकार को जमीन दिखा देंगे। और इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कमल के फूल के बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, केपी यादव को सांसद बनाएं। अच्छा बड़ी अब्बा बनाते वो तो आज मिल रहा है कल मिल रहा है, इतने कमजोर नहीं है ज्योतिरादित्य, झूठी सच्ची मत फैलाओ, बात के सच्चे बकल के बच्चे हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब प्राण भी इसी पार्टी में मिलेंगे आपकी सेवा करते हुए। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल के बटन दबाइए, केपी यादव को सांसद बनाइए, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री। जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। कमलनाथ वोट डालने पहुंचे, बिजली चली गई तो मोबाइल की रोशनी में वोट डाल रहे हैं, और दिग्विजय भैया तो जनरेटर लेके घूम रहे हैं, रिक्शा चली जाए तो भोपाल में सभा में जनरेटर संग करे घूम रहे हैं। ए बिजली राजा, तूने दुकानदारों को इन्वर्टर खरीदवाए थे तेरी सरकार में, कमलनाथ ने तेरे हाथ में जनरेटर रखवा दिया। बड़े दमदार है, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया तो वह घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, यहाँ क्या जरूरत है। भैया देखो, मैं तो चुनाव इतने रहता हूँ, मैं कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र में कभी नहीं गया, एक दिन भी केवल वोट डालने जाता है, पूरा प्रदेश गवाए कभी नहीं जाता अपने चुनाव, वोट डालने जाता हूँ और वोट डाल के वापस आ जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख ही नहीं किया, धन्य रे चनेरी की जनता, ईसागढ़ की जनता, गुना शिवपुरी की जनता, महाराज को गली गली खाक छनवा दी रे आपने, खाक छनवा। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्ट और संजय नामदेव की रिपोर्ट।